हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम सेल ऑर्गेनल कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। आप जानते हो कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। ओके, तो जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस ही है सेल के अंदर, जिसके अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो कंट्रोलर होता है सेल का। तो ये जो न्यूक्लियस है, फ्रॉम यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हम इसका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है इस वीडियो लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सेल बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, इसमें कंसेक्यूटिव 13th लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले 12 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो जरूर उनको चेकआउट कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे है, बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ रेगुलरली वीडियो के लिंक्स और नोट्स को अपडेट किया जाता है, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं न्यूक्लियस। Now see, the nucleus is a cell organelle was first discovered by the Robert Brown. जैसे हमने जब सेल थ्योरी का वीडियो लेक्चर बनाया था, तो सेल थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ, और सेल के डिस्कवरी के बाद कैसे रॉबर्ट ब्राउन ने जो है उसको न्यूक्लियस को ढूंढ निकाला। तो जिन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढ निकाला था वो थे रॉबर्ट ब्राउन, और जिन्होंने सेल को ढूंढ निकाला था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक ने सेल को ढूंढ निकाला था, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढ निकाला था, वो भी 1831 में। ओके, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड एज बाय द बेसिक डाइस वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग। तो जो यूकैरियोटिक सेल थी, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस मटेरियल था, जो बेसिक डाइस से स्टेन होता था, उसको बाद में क्रोमेटिन नाम दिया गया। ठीक है ना, ये जो क्रोमेटिन नाम है, ये क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने। सो फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रॉबर्ट ब्राउन एंड द फ्लेमिंग, दीज टू नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक रहेगा रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढ निकाला था, और क्रोमेटिन नेम जो दिया था, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस मटेरियल था, जो बेसिक डाइस से स्टेन होता था, उसको क्रोमेटिन नाम जो दिया गया था, वो दिया गया था बाय द फ्लेमिंग। द इंटरफेज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स विच आर कॉल्ड एज क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ द मोर स्फेरिकल बॉडीज विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। ऑलराइट, देखिए, जब सेल इंटरफेज में होता है, आप जानते हो कि जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो पहला पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। ओके, उसमें हम कहते हैं कि एक इंटरफेज होता है, और दूसरा जो पोर्शन होता है, इट इज अबाउट द माइटोसिस और द यम फेज। ओके, इंटरफेज एंड द यम फेज, दैट इज माइटोसिस फेज। सो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तब वो इंटरफेज में होता है। ठीक है, और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब वो इंटर फेज में है, तब वहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन क्लियरली देख सकते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। वहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, और एक या फिर एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडीज होती है, जिनको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। सी, न्यूक्लियस जो होता है ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, और इसके अंदर जो है एक या फिर एक से ज्यादा वहाँ पे न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि न्यूक्लियोलस का नंबर एक ही हो। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी वहाँ पे न्यूक्लियोलस का नंबर वहाँ पे हो सकता है। और ये जो डेंस मटेरियल आप देख रहे हो, ये जो डेंस मटेरियल है, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। ओके, और जो कुछ न्यूक्लियस के अंदर मिलता है देखने को, और जो साइटोप्लाज्म लाइक न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल हमें देखने को मिलता है, जो मैट्रिक्स हमें देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म वहां पे होता है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा, ये सारी बातें न्यूक्लियस के अंदर होती है। ओके, अगर आप यूकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करते हो, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको पता चलेगा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद अंदर एक या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, और जो डेंस मटेरियल होता है उसे बोला जाता है क्रोमेटिन, और जो कुछ मैट्रिक्स आजू बाजू फैला होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो इस तरह से जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, जिसका स्फेरिकल शेप होता है, एक से एक या फिर उससे ज्यादा न्यूक्लियोलस अंदर हो सकते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म स्टोर रहता है अंदर, और बाहर का जो मैट्रिक्स होता है, जनरली हम उसे क्या कहते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो अंदर होता है न्यूक्लियस के, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। राइट, नाउ सी द न्यूक्लियर एनवेलप, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, क्योंकि बाहर से उसको मेम्ब्रेन कवर अप करती है। एक्चुअली न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, क्योंकि दो मेम्ब्रेन्स वहां पे होती है। सी, विच कंसिस्ट ऑफ द टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 15 nanometers, विच इज कॉल्ड एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। देखिए, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, ये इनर वाली जो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये इनर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद जो बाहर से है, इट्स अ सेकंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड एज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दूसरा मेम्ब्रेन है। सो आउटर मेम्ब्रेन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो 10 to 15 nanometers का होता है। याद रखना है क्वांटिटी कितनी है, 10 to 15 nanometers का वो लेंथ होता है, बीच में ब्लैंक स्पेस होता है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और इस स्पेस को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, इस स्पेस का जो नाम है, इसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है, 10 to 15 nanometer।
which forms the barrier between the material present inside the nucleus and through that of the cytoplasm. तो ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ये बैरियर तैयार करती है, क्योंकि इसके बाहर जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और अंदर की ओर न्यूक्लियोप्लाज्म है, राइट। सो बाहर की ओर जो साइटोप्लाज्म है और अंदर की ओर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री फॉर्म करने का काम कौन करता है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है ये न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से अलग रखता है। ओके, सो इनसाइड आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल बहुत सारा दिया है, और क्रोमेटिन मटेरियल के जो दो टाइप्स होते हैं उनको उनको भी यहाँ लेबल किया गया है, विच इज कॉल्ड द हेटरोक्रोमेटिन एंड द यूक्रोमेटिन। ओके, सो यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन बोथ कॉन्स्टिट्यूट द क्रोमेटिन मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे न्यूक्लियस के आपको दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और उनके बीच में जो स्पेस है वो है 10 to 50 नैनोमीटर्स का। ओके, नाउ सी द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेंस कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स द राइबोसोम ऑन इट। देखिए, हमने ये इससे पहले भी डिस्कस किया था, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको बताया गया था कि टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे होते हैं। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा होता है इट्स कॉल्ड एज द रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने बोला था कि उसके आउटर बाउंड्री पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका सर्फेस रग दिखता है, इसीलिए उसे रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप केयरफुली देखो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, यहाँ पे देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये इन कंटिन्यूएशन है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कंटिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, और इसी की वजह से उसको रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लेकिन अगर आप केयरफुली और ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो राइबोसोम का प्लेस है वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही वहां पे राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की जो कंटिन्यूएशन में चलती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसको बोला जाता है रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये राइबोसोम्स रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो प्रेजेंट होती ही है, उसके साथ साथ जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द, और जो आउटर मेम्ब्रेन का कंटिन्यूएशन है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं उसके ऊपर भी राइबोसोम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो ये जरूरी रहेगा जब आप वहां पे डायग्राम ड्रॉ करोगे यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, तो जब न्यूक्लियस दिखाना है तो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इन कंटिन्यूएशन दिखाना है आपको विद दैट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तभी जाके वो डायग्राम जो है साइंटिफिकली एक्यूरेट समझी जाएगी। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि वो न्यूक्लियस को इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेपरेटली वो बाहर से लेबल करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है अंदर से, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो आउटर मेम्ब्रेन ही इन कंटिन्यूएशन है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार के डायग्राम वहां पे होनी चाहिए, तभी वो साइंटिफिकली एक्यूरेट डायग्राम को उस डायग्राम को समझा जाएगा, राइट। और उसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एट द नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज इंटरप्टेड बाय द माइनूट पोर्स विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, दो मेम्ब्रेन के बीच में हमें कहीं कहीं पे माइनूट पोर्स दिखाई देते हैं, ये पोर्स यहाँ पे है, और ये माइनूट पोर्स इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन क्या हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, इंटरप्ट हो गई है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे ये माइनूट पोर्स बन गए हैं, और इनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स। ओके, और न्यूक्लियर पोर के साथ साथ वहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ प्लस दिस न्यूक्लियर पोर इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो न्यूक्लियर पोर है जो है वो जगह जगह पे बन गए हैं न्यूक्लियस में। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि दो मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे वो उनका फ्यूजन होके वहां पे वो न्यूक्लियर पोर तैयार होते हैं। एक्चुअली यही वो न्यूक्लियर पोर है जिससे न्यूक्लियस से बाहर जो है चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स का अंदर के साइड में भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से किया जाता है। तो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द सेल फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए हमारे यूपीएससी मेंस के सिलेबस में जब हम सेल बायोलॉजी का चैप्टर देखते हैं तो उस सेल बायोलॉजी के चैप्टर में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो सेपरेटली दिया है स्टडी करने के लिए। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पे जो है वो हम सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार का वहाँ पे कंपोजिशन है और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस प्रकार वहाँ पे होता है। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन दैट इज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे जो आरएनए है, आरएनए और प्रोटीन जो है, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ से इनसाइड आउट होता है। मतलब अंदर से आरएनए प्लस प्रोटीन जो है वो बाहर जाते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से यानी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से ही जो है वो आरएनए और प्रोटीन को जो है वापस सेल के अंदर इसी न्यूक्लियर पोर से भेजा जाता है।
तो जैसे हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन में जो है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये उसी का एग्जांपल है। जैसे आप समझते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है कि डीएनए के थ्रू वहां पे एमआरएनए बनता है, राइट, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये जो एमआरएनए होता है इट हैज टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर इसको भेजना पड़ता है, ओके। और बाद में इसी एमआरएनए से बाद में फिर क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। और ये प्रोटीन अगर इसेंशियल है न्यूक्लियस के लिए तो ये प्रोटीन जो है वापस न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, राइट। तो न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक और साइटोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियस तक जो ट्रांसपोर्टेशन वहां पे हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये न्यूक्लियर पोर्स की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और ये न्यूक्लियर पोर्स कैसे बने हैं, दिस इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, दोनों का फ्यूजन होने की वजह से ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एब्सोल्यूट इसेंशियल है। नाउ सी, नॉर्मली देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, बट वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। देखिए जैसे हम कहते हैं कि जितने भी बार हमने सेल बनाया है हम क्या सोचते हैं कि जनरली वहाँ पे एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें बहुत वेरिएशन देखे जाते हैं। एक्चुअली जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं या फिर जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या फिर अगर आप प्लांट्स किंगडम में स्यूटोप सेल्स अगर लेते हो तो इनमें एक्चुअली न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मतलब वो सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल है, एक प्लांट का सेल, एक एनिमल का सेल है। अगर आप आरबीसी ले लो या फिर आप स्यूटोप एलिमेंट के सेल ले लो, वहां पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मतलब सेल विदाउट न्यूक्लियस, ऐसी उनकी कंडीशन है। तो वहां पे जीरो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं है वहां पे। चाहे वो आप मैमल्स के एरिथ्रोसाइट लीजिए लीजिए आरबीसी, या फिर अगर आप स्यूटोप सेल्स ले लीजिए, वहां पे आपको कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। वैसे जनरलाइजेशन क्या है कि हम सोचते हैं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता ही है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। व्हाई इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज वी हैव सच एग्जाम्पल सच एज द एरिथ्रोसाइट दैट इज आरबीसी एंड स्यूटोप सेल्स फाउंड इन द प्लांट्स, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ओके। वास्कुलर प्लांट्स में जो स्यूटोप सेल्स मिलते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी जो मैमल्स में मिलते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो इसलिए वन न्यूक्लियस ये जो नॉर्म है ये तो नॉर्म है, लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, लाइक एरिथ्रोसाइट्स एंड स्यूटोप सेल्स, राइट। नाउ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। जैसे हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ होता है उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है अंदर, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। जैसे आप देख पा रहे हो ये क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे फैला हुआ है और अंदर क्या है, एक न्यूक्लियोलस है जिसको यहाँ पे लेबल किया गया है, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल। इन साइड जो क्रोमेटिन मटेरियल आपको दिख रहा है, द न्यूक्लियोला इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देखिए ये जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का, वो इन कंटिन्यूएशन है विद न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जो कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म है वो डायरेक्टली कनेक्शन में है न्यूक्लियोलस के कंटेंट के साथ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री है, नहीं, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। एक्चुअली ये न्यूक्लियस है और ये बस एक एरिया है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और ये कंटिन्यूएशन में है बाकी के न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियोलस के अंदर का एरिया है, लेकिन ये दोनों कंटिन्यूअस है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। वहां कोई मेम्ब्रेन उनको सेपरेट नहीं कर रही है, ओके। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियोलस का यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो न्यूक्लियोलस का कोई मेम्ब्रेन ना होने की वजह से उसका जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ इन कंटिन्यूएशन में वहां पे होता है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है इट इज ऑफ अ स्फेरिकल शेप, कैसा शेप होता है उसका, स्फेरिकल शेप होता है। नाउ सी द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसे हम क्रोमेटिन कह रहे हैं, जिसे हमने पहले डिफाइन किया है कि यहाँ पे क्रोमेटिन होता है, लूज होता है जब इंटरफेस में होता है तब ये लूज होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वहाँ पे दो स्टेप होती है सेल साइकिल में, इंटरफेस होता है और फिर माइटोसिस या फिर यम फेज वहाँ पे होता है। तो यम फेज के वक्त क्या होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा है तो तब ये सॉलिड बन जाता है। ये जो लूज हम कह रहे हैं ये लूज कब होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, ये होता है जब इंटरफेस चल रही है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है। जब सेल डिवाइड नहीं होगी तब वो क्रोमेटिन मटेरियल कैसा रहेगा, लूज रहेगा, लेकिन जब सेल डिवाइड होगी तब वो क्रोमेटिन मटेरियल कैसा बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ओके। नाउ सी, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन द सेल शोज द स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जगह पे वहां पे सिर्फ क्रोमोसोम बाद में दिखाई देते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे प्रोसेस चल रही है और यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब सेल डिवीजन हो रहा है तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे न्यूक्लियस अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूक्लियस की जगह आपको कोई और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जब सेल डिवाइड हो रही है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, तो दो न्यूक्लियस यहाँ पे तैयार हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। लेकिन न्यूक्लियस की जगह आपको एक सॉलिड कलरफुल बॉडीज दिख रही है, राइट, दोनों जगह आपको कलरफुल बॉडीज दिख रही है। इन कलरफुल बॉडीज जो होती है, ये जो न्यूक्लियस की जगह ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें दिखाई देती है, इनको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमोसोम दो वर्ड से बना है, क्रोमा एंड जोम्स। क्रोमा मतलब होता है कलर, ओके, कलर, और जो जोम्स का मतलब होता है बॉडी, जो कलर बॉडीज होती है उसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो न्यूक्लियस होता है उसकी जगह कौन ले लेता है, क्रोमोसोम ले लेता है, विच आर नथिंग बट दी क्रोम
colored bodies, right? Now see, chromatin contains the DNA and also some basic histones and non-histone protein proteins and also the RNA. तो ये जो क्रोमेटिन होता है अंदर वाला, यहाँ पे जो लूज मटेरियल हमने दिखा था, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब ये सॉलिड बन जाता है तो इसी को क्रोमोसोम बोलते हैं बाद में, ठीक है। इसका जो कंटेंट होता है, इसमें होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके। हिस्टोन प्रोटीन्स भी हमें अलग तरह, अलग हिस्टोन प्रोटीन जो है इसे भी हमें अलग वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि ये भी यूपीएससी मेंस के सिलेबस में डिटेल में दिया है। उसके बाद वहाँ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, ओके, और उसके साथ साथ वहाँ कुछ आरएनए भी होता है। हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, ये तीन वहाँ पे होते हैं ताकि वो वहाँ पे क्या बना सके, क्रोमेटिन मटेरियल बना सके। तो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए को रैप करके वहाँ पे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और कुछ आरएनए का पोर्शन भी जो होता है वो वहाँ क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपने याद रखना है कि केमिकली क्रोमेटिन क्या है, इट्स अ डीएनए विद हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स एंड द आरएनएस, ओके। नाउ सी, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सिमेटली 2 meters लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 46 क्रोमोसोम, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन सेल आप जानते हो, ह्यूमन सेल का जो डिप्लॉइड नंबर है, दैट इज ट्वाइस एन नंबर है, वो 46 है, इसलिए हैप्लॉइड नंबर कितना है, 23 है। तो हम ऐसा कहते हैं कि 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सोमेटिक सेल में या फिर वेजिटेटिव सेल में, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स यहाँ पे दी है, 23 पेयर्स का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम है। तो हर एक 46 क्रोमोसोम का अगर डीएनए लेंथ वाइज अगर हम निकाल ले और उसको एक लेंथ में ऐसे बांध दे, तो वो नियरली 2 meters हो सकता है, यानी 6 feet का वो हो सकता है, ओके। नॉर्मल जो हाइट होती है ह्यूमन बींग्स की, उतने हाइट का एक सेल के अंदर डीएनए होता है। 46 क्रोमोसोम से अगर डीएनए निकाला जाए और अगर उसको जोड़ दिया जाए, तो नियरली वो 2 meters होता है, राइट। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो नियरली 6 feet वहां पे हो सकता है, इतना लॉन्ग डीएनए जो है वो इन हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है एकदम माइनोट सेल के अंदर। और ये कॉम्पैक्टनेस क्यों आ सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिस्टोन्स एंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ऑलराइट। नाउ सी, नाउ एवरी क्रोमोसोम, जैसे हमने कहा कि जब सेल डिवाइड हो रही है, जब सेल डिवीजन वहां पे हो रहा है, तो सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है कि न्यूक्लियस की जगह वहां पे कलर्ड बॉडीज आ जाती है, और उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। हर एक जो क्रोमोसोम होता है, इट इसेंशियली अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमेयर्स ऑन द साइड्स ऑफ विच द डिश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गैनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक क्रोमोसोम दिया है, और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख रहा है, एक नैरो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है यहाँ पे, इसको बोला जाता है सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे आप याद रखिए, इसको बोला जाता है सेंट्रोमेयर। और ये जो सेंट्रोमेयर होता है, ये सेंट्रोमेयर के ऊपर डिश शेप एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दो डिश शेप स्ट्रक्चर दिया है। ये जो डिश शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर, ओके। सो जैसे हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम के सेंटर में जो है हमें कॉन्स्ट्रक्शन दिखाई देता है, इस कॉन्स्ट्रक्शन को कहते हैं सेंट्रोमेयर, ओके। ये जो सेंट्रोमेयर होता है, उसके ऊपर डिश शेप एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है काइनेटोकोर। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ दिस सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर कहाँ पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर वर द 4 types ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं, ये क्रोमोसोम के बॉडी पे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर वर द 4 types ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के 4 types होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दिस क्रोमो जो सेंट्रोमेयर है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम के बॉडी की ओर। चलिए देखते हैं वो कौन से 4 type है। देखिए, पहला जो होता है, इट्स कॉल्ड एज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जिसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जो बिल्कुल सेंटर वाला डायग्राम है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर है, और 2 equal arms बन गए। ऊपर वाला आर्म भी बिल्कुल उतना ही जितना नीचे वाला आर्म है, क्योंकि ये क्रोमोसोम को 2 equal parts में डिवाइड कर रहा है। तो सेंट्रोमेयर अगर एग्जैक्टली बीच में होगा, तब उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ओके। नाउ सी, द सेकंड टाइप इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जो ये वाला है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्लाइटली ऊपर होता है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से जो है 2 unequal arms बनते हैं। ये छोटा वाला आर्म बनता है, और ये जो है नीचे वाला, ये बड़ा वाला आर्म बनता है। तो एक छोटा और एक बड़ा वाला आर्म होता है, इसलिए उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, ओके। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब होता है कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है, और सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि जो सेंट्रोमेयर है वो स्लाइटली अबव है टू दैट ऑफ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और इस वजह से एक लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म बन रहा है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, इन अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम 2 equal arms ऑफ द क्रोमोसोम वेयर क्रिएटेड, क्योंकि सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ऊपर होने के कारण एक बड़ा आर्म बनता है और एक छोटा आर्म बनता है, ओके। लेट अस कंसीडर द थर्ड वन। तीसरा जो होता है, इट्स एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग अ 1 extremely short एंड 1 extremely long arm। देखिए यहाँ पे देखिए, सेंट्रोमेयर जो है एकदम ही एक एंड में चला गया है, जिस वजह से बहुत ही शॉर्ट आर्म बन गया है, बहुत ही छोटा आर्म, और दूसरा जो आर्म है वो बड़ा आर्म बन गया है। इसीलिए इस टाइप के जो क्रोमोसोम को कहते हैं, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे हमने कहा कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वहाँ पे होते हैं, फिर हमने कहा कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वहाँ पे होते हैं, फिर हमने कहा कि वहाँ पे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। तीनों में आपने देखा कि सेंट्रोमेयर जो है पहले सेंटर में था, राइट, फिर ऐसा अगर क्रोमोसोम है तो ये बिल्कुल सेंटर में था, फिर हमने देखा कि वो थोड़ा सा ऊपर चला गया,
फिर एक्रो सेंटर में हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो एक बहुत ही शॉर्ट और एक बहुत ही लॉन्ग आर्म वहां पे क्रिएट हुआ है। ओके, जो लास्ट वन है वो इट्स कॉल्ड एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमेर होता है एक्सट्रीम एंड में होता है, एकदम क्रोमोसोम के ऊपर के साइड में होता है, इसलिए बिल्कुल बहुत ही छोटा आर्म, वेरी वेरी शॉर्ट आर्म क्रिएट होता है एट द वन एंड, एंड वेरी वेरी लॉन्ग आर्म क्रिएट होता है एट द अनदर एंड। ओके, सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, द फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, देन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक में सेंटर में था, सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा सा ऊपर था सेंट्रोमेर, एक्रोसेंट्रिक में और ज्यादा ऊपर था, और टीलोसेंट्रिक में तो एक्सट्रीम एंड पे ही वो प्रेजेंट था। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंस द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमेर देयर वेयर द फोर टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, नाउ सी, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। देखिए कुछ क्रोमोसोम में एक और भी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखा जाता है, जैसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को हमने क्या कहा था, सेंट्रोमेर कहा था, लेकिन कुछ कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी देखा गया है। ओके, एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड एज सैटेलाइट। इस वजह से एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऊपर और तैयार होता है जिसको बोला जाता है सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन द न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। हाँ ठीक है, कि न्यूक्लियस कैसा होता है, उसके अंदर उसका शेप कैसा होता है, नंबर कैसा होता है उनका, और न्यूक्लियोलस कैसा होता है, न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या क्या थे, राइट, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, share this video with your friends who are studying the botany, and if you haven't subscribed to the Botany Optional channel yet, please subscribe to Botany Optional for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this video. See you in the next one.